वेलकम बैक टू आवर चैनल डीवीएस राइडर डायरी। सो आज हम निकले थे 6 बजे। कहाँ निकले थे? हम निकले थे चंडीगढ़ की तरफ। आज है हमारा पहला दिन और हम जहाँ पे जा रहे हैं वो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो 6 बजे निकले थे हम। अभी हम बिलासपुर से थोड़ा पीछे 7:13 हो चुके हैं। तो अब जैसे ही चंडीगढ़ का रोड स्टार्ट होगा, वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा रोड भी, तो बने रहे वीडियो में। और जहाँ का प्लान है वो बताएंगे। कहाँ का प्लान है? नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वहाँ के वीडियो में बताएंगे। अभी बच चुके थे 7:45, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर ले क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वेट नहीं कर पाएंगे और पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक कैफ़े है हिमाचल टूरिज्म करके, तो वहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देन उसके बाद आपको जर्नी दिखाऊंगा। बिलासपुर प्रॉपर पहुँच चुके हैं, आगे दिखाता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या प्लान है वैसे ब्रेकफास्ट में खाने का। परांठे खाएंगे, परांठे। चलो तो परांठे खाते हैं अभी। तो गाइज़ ये है बिलासपुर और आपने देखा कि बारिश होगी स्टार्ट। मैम रील बना रही है। मौसम है बहुत सुहाना। अब परांठे मंगवाए हमने, एक आलू प्याज का परांठा, एक पनीर का खाना है। तो ये व्यू देखो आप बिलासपुर का, बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी परांठा खाने के बाद चलेंगे हम आगे की तरफ, पर बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है, बारिश हो रही है धीमी धीमी। नज़ारा लीजिए मौसम का। जितनी बार मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो इस कैफ़े में ज़रूर रुकता हूँ क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है और टेस्टी भी है, साफ़ सुथरा भी है बैठने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अंदर दिखाया। अब बाहर लग रही है थोड़ी ठंड, तो अंदर की तरफ चलते हैं। आइए मैम अंदर बैठते हैं। चुका है हमारा आलू और पनीर का परांठा, हम खाते हैं अभी और मज़ा लेते हैं। कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है मैम बोल रही है, तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा क्योंकि अभी हम सवार घाट पहुँचे और टाइम हो चुका है 9:30 के लगभग, और धुंध इतना पड़ रहा है ऐसा लगता है कि जैसे 6 बजे। फरवरी का एंड है और मार्च की स्टार्टिंग है, बट मौसम फॉग वाला देख के ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही पीक ऑफ जनवरी है या दिसंबर है, है ना? बारिश के साथ इतनी फॉग ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। एक्चुअली जितना अप टॉप पे जाएंगे तो फॉग रहेगी यहाँ पे, वैसे ये सवार घाट एरिया है तो यहाँ पे थोड़ी फॉग ज्यादा रहती है। तो अभी जैसे जैसे सवार घाट से नीचे उतरेंगे हम, तो मे बी फॉग ना मिले हमें, पर आज वैसे बारिश का मौसम है, ऐसा लग रहा है जैसे कि oh my God, it's quite risky. अभी पहुंच चुके हैं हम खरग से थोड़ा पीछे। अभी अब यहाँ पे अभी भी लगातार बारिश है, लगता है चंडीगढ़ तक बारिश ही मिलेगी गाइस। मनाली में मिले थे यार, और ये फिर से हमें मिलके पंजाब में। तो मतलब ये पीछा, अच्छा सच में? हाँ जी हाँ जी सर। अरे वाह, इस बार कितने पैसे दिए थे मैंने? इतने 1500। अच्छा ठीक है, ओके। ये हम आए हुए थे अभी खरड़ में, रुके थे तो अन्नी के घर पे थे अभी, तो हमने थोड़े परांठे खाए फ्री के। अब यहाँ से खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं अभी चंडीगढ़। तो अन्नी बोल रहा है कि मैं आपको सिर्फ बाय करने के लिए आया हूँ, तो अभी अन्नी मेरे दीदी है तो मैंने गाड़ी को हाथ भी तो लगाना है। अच्छा अच्छा, विदाई हो रही है फिर से, मतलब अन्नी चाहता है कि बार बार ये विदाई करे। चलो चलते आगे की तरफ। अभी हम खरड़ में है तो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। अभी टाइम हो चुके हैं 12:30, सुबह चले थे जैसा कि हमने बताया। तो आगे देखो खरड़ की गलियां।
गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम कहाँ पे, चंडीगढ़ भी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। जैसा मैंने बताया हमें खरड़ में रुके थे थोड़ी देर के लिए, हम वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठे किया। सो चंडीगढ़ में करेंगे आप स्टे। सो मैम कैसा लग रहा है अपने बर्थ प्लेस पे आने के बाद आपको? बहुत मजा आ रहा है ये रोड्स देख के, ये सफाई देख के, ये पेड़ देख के। अच्छा तो पेड़ मतलब हिमाचल में नहीं है, सफाई हिमाचल है, पर ये वाले पेड़ देखो ये अलग है, मतलब ये जो बुके बना होता है ना पूरा ऊपर से। ओके ओके, ये दिस इज ओनली इन चंडीगढ़। सो गाइस अभी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 7:30। तो अभी करता हूँ रेस्ट और कल सुबह मिलते हैं आपसे। डे टू जहाँ हमने जाना है वो आपको आगे दिखाता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो मिलते हैं फिर से धर्मवीर सिंह के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।